लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा मैं नहीं चाहता, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ अरे बाबा ये क्या था बाबा? सही क्या हुआ बच्चू, तो उदास क्यों हो? अरे बाबा बुरा सा एक ख्वाब देखा है। हे, क्या देखा तुमने ख्वाब में? बाबा सही को और भैंस को, बाबा दोनों को रोते हुए देखा है। ये भैंसे तुम्हारे दिमाग से कब निकलेंगी? आप तो निकल सकती हो मेरे दिमाग से, भैंसे नहीं निकल सकती। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे बाबा मेरा मतलब है कि मेरा और भैंसों का साथ तो बचपन का है ना, तो कैसे निकलेगा? बच्चो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाबा। बच्चू बच्चू देखो वो नहीं ख्वाब था, कोई सच्चाई थोड़ी थी, तुम इतना परेशान मत हो। हाँ बाबा मुझे पता है वो ख्वाब था। तो एक काम करो ना, बाबा साईं को फोन कर लो तुम। हैं? हाँ बाबा ये अच्छा आइडिया है बाबा। क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाबा मेरा फोन तो कमरे में पड़ा है। ओ ये लो ना मेरे फोन से कर लो। अच्छा बाबा दो दो। अच्छा क्या हुआ? अरे बाबा बाबा साईं का फोन तो बंद जा रहा है, अल्लाह खैर कर। अच्छा परेशान मत हो तुम, अभी थोड़ी देर में ट्राई करेंगे, मिल जाएगा ना, सब ठीक होगा, खैरियत ही होगी बच्चू। दो इधर फोन, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है बाबा। बाबा मुझे बताना। हाँ हाँ। जी भाई क्या बात है? सर ये रिपोर्ट आई आपकी। किस चीज की? मुझे क्या पता भाई, देख लेना। मेरा मतलब है कहाँ से आई है रिपोर्ट? अस्पताल से। क्या मतलब अस्पताल से आई है? नहीं मौसमियात से आई है, बताया तो है अस्पताल से आई है। अब तेरी इतनी अटकी हो रही है, बिजली का बिल इस दफा ज्यादा आ गया क्या? चलो खैर जाओ मैं देखता हूँ, अल्लाह खैर करे अस्पताल से रिपोर्ट। अरे बाबा कौन आया था? भाई बाहर कोई बाइक पे आया था बंदा अस्पताल से, रिपोर्ट देखिए। अरे बाबा दिखाओ ना मेरे को दिखाओ। अरे बाबा इसमें क्या लिखा है बताओ ना, तुम पढ़ के बताओ। लाए लाए दिखा दिखा, मोरादाद लिखा हुआ है। अच्छा बाबा और क्या लिखा है? ये रिपोर्ट है, खत नहीं है कोई। अरे बाबा कुछ तो लिखा होगा। अरे बाबा बता अभी दो क्या लिखा है। मोरादाद लिखा हुआ। अरे और क्या लिखा है इसमें? तो ब्लड कैंसर लिखा हुआ। क्या? अरे बाबा पागल तो नहीं हो गया है? इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, यही लिखा हुआ। अरे बाबा मेरा ख्वाब सच निकला है, मेरे बाबा सही को कैंसर हो गया है बाबा। हौसला रखे हौसला रखे, कैसे हौसला रखूं मैं, तो यतीम होने वाला हूँ। क्या हुआ बच्चू? अरे क्या हो गया दादी? तू भी यतीम होने वाली है दादा, तुमको बोला पहले से कैसे पता? अरे अरे बाबा बता ना जानी। अरे बाबा ये क्या हो गया, मैं भी यतीम होने वाली हूँ, मेरी तो भला अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो हो इधर दिखाओ मुझे रिपोर्ट। ये तो वाकई में ब्लड कैंसर की रिपोर्ट है। जानी तुम जाके खिड़कियां दरवाजे बंद करो, वरना मोहल्ले वाले समझेंगे यहाँ पे हम इंसानों को ज़बा कर रहे हैं।
है, कैसे रोती है? अच्छा बाबा, वो भैंसों का चारा वारा जो है ना, लगता है वो खत्म हो गया है, उसको नए किसी को बोलो कि पहुंचा दे चारा। अरे जरीना, क्यों रो रही है दी? अरे बाबा, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं है, भला मेरे निकाह नामे पे दस्तखत कौन करेगा? अरे जरीना, तुझे अपने निकाह नामे की पड़ी है? अब तो भला और क्या करूं, हमने तो बाबा साई को अभी तक बताया भी नहीं। अरे बाबा, इससे याद है, मैं बाबा जानी को फोन तो करूं। अच्छा बात सुनो, वो एक भैंस जो है बड़ी बीमार पड़ गई, तो डॉक्टर को बोलो उसको इंजेक्शन करे। क्या करता है डॉक्टर बैठ बैठ के सारा दिन? अच्छा तुम चलो, मैं फिर। हाँ बाबा जानी। हाँ बच्चू, बोलो, सब खैर है? नहीं बाबा जानी, खैरियत नहीं है। अरे बाबा, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? आप बस यहाँ आ जाओ बाबा जानी, जल्दी। अरे सब खैरियत तो है ना? हाँ बाबा जानी, भला जल्दी आ जाओ। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, एक रिपोर्ट आनी थी बाबा, वो। अरे बाबा, अच्छा अच्छा, तू रो मत, बस मैं आ रहा हूँ ना। पता नहीं क्या हो। क्या बाबा जानी, हमको तसल्ली दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाबा जानी। आए मुझे बोला बाबा जानी। हौसला करें बच्चों, आप कब तक ऐसे करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा वो मैडम, मैं बाहर जा रहा था, कुछ मंगाना था नहीं आप? अरे बाबा, अब ये किधर जा रहा है? घर में मौत होने वाली है, मैंने सोचा एडवांस में ही सारी चीजें लेके आ जाऊं। हाँ ये सही कह रहे हो। अरे बाबा, अभी बाबा सही जिंदा है, तुम लोगों को बंदा मारने की इतनी जल्दी पड़ी है? ओहो बच्चू, ठीक ही तो कह रहा, जब एकदम से खबर आएगी तो जल्दी जल्दी में कैसे करेंगे इंतजाम। हाँ बाबा, बात तो सच्ची की है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे बाबा, अब तू किधर जा रही है? वो मैंने देखा कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है मैयत पे पहनने के लिए, इसलिए सोचा कि नया ड्रेस लेकर आ जाऊं। हाँ बाबा, तो फिर ठीक है, मेरे लिए भी एक सूट लिया, सफेद कॉटन में। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ओहो बच्चों, आप फिर शुरू हो गए? अरे बाबा, मेरे बाबा सही मरने वाले हैं, तू रोने भी नहीं देती है। आप जी देखिएगा, अब ख्याल से कि बीफ बिरयानी हो, अच्छा चिकन मुझे पसंद नहीं है ना जी जी। अरे कोई मजाक थोड़ी है, मेरे ससुर की फौती है। कब चाहिए है ये मैं अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जल्द चाहिए होगी, मैं आपको बता दूँ। ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। अरे बाबा, आपको कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है मेरे बाबा साईं को मारने की? अच्छा, और वो जो जरीना गई हुई है शॉपिंग पे, उसका क्या? अरे बाबा, वो तो जरूरी काम है। तो खाना भी तो जरूरी है, अब्बा के मरने पर खाना नहीं खाएंगे क्या? हाँ बाबा, ये बात भी है, बिल्कुल सही बात की है। मैं तो भी गलत करती ही नहीं। बाबा मेरी बेगम जो ठहरी। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। रुको रुको रुको, अरे अरे जानी बाबा, खैर तो है ना? सब ठीक ठाक है, बस आप अंदर चलें। अरे अंदर तो चलूं, लेकिन कुछ बताओ तो सही। सब ठीक है, सब आई आई आई, खैरियत है? अच्छा बाबा सही, अरे चुप चुप चुप, आवाज आ गई। आ गया बाबा, आ गया। अरे आ गया बाबा सही, आ गए। अरे बाबा, ये मेरे बेटे का ही घर है ना, ये पतियों से इस्तकबाल ये क्या है भाई? बाबा सही, जो काम कल करना है हमने सोचा आज ही क्यों ना कर लें। अरे बाबा, कोई कुछ मुझे बताएगा हुआ क्या है भाई? बाबा सही, आप बहुत थक गए होंगे, अंदर चले आराम कर लेते। बेटा मैं को पैदल थोड़ी चल के आया हूँ कि चल के मैं आराम करूँ। हाँ बाबा जानी, सब खैर है। हाँ तो फिर इतनी इमरजेंसी में तुम लोगों ने मुझे शहर क्यों बुलाया? बाबा सही, आप याद ही कर रहे थे। अच्छा बाबा, तो पहले तो कभी मेरी ऐसी याद नहीं आई तुम लोगों को। छोड़े ना बाबा, आप अंदर चले। अरे चलते हैं बाबा, सबर कर सबर कर। बाबा सही, आप बस मुझे ये बताएं, आपका क्या दिल कर रहा है खाने का? जो कहेंगे आज मैं वो खुद बना के खिलाऊंगी आपको। अरे बाबा, ये मेरे बेटे का ही घर है ना, इतनी मेरी इज्जत। बाबा सही, आप इतना ना सोचे। बाबा सही, आप अंदर चले अंदर। अरे हाँ चलते हैं, लेकिन रुको भाई, वो एक मेरी रिपोर्ट आनी है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे तुम्हारा डिजाइनर बुटीक है ना, इसलिए वो मुझे ना बस जल्दी से एक मैयत का सूट सिलवा दो। मैयत का सूट?
कौन मरने वाला है? अरे हम सब मरने वाले हैं, क्यों तुम क्या हमेशा जिंदा रहोगी? अरे भाई मेरा मतलब है ऐसे भी क्या जल्दी आ गई? ओहो बस आ गई ना तो बस जल्दी से मेरा नाप लो और उससे भी जल्दी मेरा सूट भिजवा दो। मर्जी है जैसा तुम बोलो, पर अर्जेंट में पैसे डबल होंगे। कैसी दोस्त हो तुम? अच्छा भाई ट्रिपल ले लेना मगर काम टाइम पे कर देना। अब एक काम करती हूँ ना, मैं तुम्हें नाप की शर्ट दे देती हूँ, उससे ही तुम साइज लेके सिलवा लेना। ठीक है? ठीक है। अब उसके अलग से पैसे तो नहीं लोगी ना? नहीं। इतनी इमरजेंसी में बुलाने की वजह जान सकता हूँ? अरे वकील साहब बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। क्या हुआ है? ओहो तो मौलादा साहब हैं कहाँ? अरे बाबा वो अंदर है कमरे में। और हमने अब तक उन्हें बताया नहीं कि उनकी रिपोर्ट में क्या लिखा है। मुझे तो मिलवा दे उनसे आखिरी दफा। अरे बाबा आप एक दफा पेपर बना के ले आए उसके बाद आप मिल लीजिएगा उसी वक्त। पर बनाना कैसे है, आपकी तो एक बहन भी है उसको क्या देना है? अरे भाई जो बच्चों का हिस्सा है वो इसके हिस्से में आएगा, जो बचेगा वो उसके बहन के हिस्से में चला जाएगा। आप भी खातून हैं, आपके अब्बा ने आपके नाम कितनी जायदाद की? पूरी की पूरी। वो कैसे? अरे मैं इकलौती हूँ ना अपने पापा की, तो ये हुआ कि पापा की जितनी जायदाद उसमें तो वैसे भी उधार थे वो ही आए मेरे हिस्से में। तभी। अरे बाबा आप एक काम करें, जाएं अभी और जल्दी से कागजात बना कर ले आए, बाबा सही घर पे ही हैं, उनसे हम दस्तखत करा लेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है, बस मैं गया और पेपर बनवा के अभी लेके आता हूँ। बस ठीक है ठीक है वकील साहब, अल्लाह हाफिज़। बाबा चलो ये काम तो हुआ। हाँ हाँ बस ये देख लो, यहाँ टेंट लगेगा, ये वाली जगह टेंट लग जाएगी, वो हट जाएगा। अच्छा इधर आओ, ये है फर्श, यहाँ पे चादर दरिया ये सारी तुमने बिछानी है, सोफे देख रहे हो ना ये तो हट जाएंगे। कितने दिन तक? स्वयं तक रहेगी, स्वयं तक लगा। अभी लगा दूं? ठीक क्यों यार, बंदा जिंदा है अभी तो। चले जब हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है? हाँ बस घर में जरा कुरान खानी जरा करानी थी इसलिए जरा चादरें दरिया बिछवा। अच्छा बातें क्या सुन रहे हो, जॉब जब होगा तो मैं बता दूंगा, जाओ शाबाश। बात सुनो मेरी यार। अच्छा भाई सब खैरियत तो है ना, कोई बताए कुछ नहीं रहा मुझे? ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं, क्या बताऊं मैं आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चल रहा है? मोटर बाहर चल रही है उसकी आवाज आ रही होगी। अरे नहीं गधे, मैं मतलब कोई बात छुपाने वाली कुछ बात समझ में आ रही है मुझे। अरे कोई कुछ नहीं छुपा रहा, आप एक काम करें अंदर जाएं आराम करें। अरे बाबा मैं कोई मरीज थोड़ी हूँ कि आराम करूँ। अल्लाह ना करे कि आप मरीज हो, बस आप अंदर जाएं रेस्ट करें प्रॉपर। अच्छा जाएं जाऊं? अल्लाह पाक की कसम जाएं आराम करें रेस्ट करें आप। इतने अच्छे साहब, बड़ा सुकून आ रहा है। अरे बाबा मुझे ये तो बताओ ये तुम लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो आजकल? बस जनाब जब इंसान के पास वक्त कम हो तो ऐसा ही महसूस होता है। है? क्या बता लो टाइम थोड़ा है किसका? अरे नहीं बाबा सही ऐसे ही बोल रहा है, इसने काम करना है ना जाना है बाने कर रहा है और किसी के पास वक्त कम नहीं है, जल्दी जल्दी दबा जानी। बाबा जानी आपके जहन में कोई जमीन है? जमीन? कौन सी जमीन? कोई मर जाए तो उसको कहाँ दफनाना चाहिए? अब अगर कोई मर जाए तो उसको कब्रिस्तान में दफना दो, मरने वाले को पता थोड़ी चलता है कि मुझे कहाँ दफनाया गया। हाँ अच्छा वैसे कौन मर गया है भाई? अरे छोड़ो सेठ साहब कोई नहीं मरा अभी तक। मतलब कोई मरने वाला है? अरे नहीं बाबा जानी ये ऐसी बकवास कर रहा है, चलो बाबा जा जाके काम कर, चलो शाबाश। अच्छा बच्चों बेटा वो एक रिपोर्ट आने वाली थी बाबा। जल्दी से काम याद आ गया, दो दो दबा रहे थे अब दोनों ही चले गए, अजीब सी माहौल है। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा बाबा। हाँ बाबा, अरे बात सुनो, अरे बाबा डॉक्टर आया? तुमको पता ही नहीं है मामला कितना संगीन है बाबा, अरे जिंदगी और मौत का सवाल है। खट्टा मीठा खट्टा मीठा।
बाबा दाई मुझे नहीं पता, बस मुझे शादी करनी है। अरे बाबा कुछ शर्म कर, अपने बाप के सामने भी कोई ऐसी बातें करता है क्या? भाभी नहीं रहेगा तो बोला फिर मैं किसी के सामने ऐसी बातें करूंगी? क्यों, मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं नहीं, आप तो कहीं नहीं जा रहे, बट जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, मैं ना रहूँ आप ना रहे। बेटा ये नसीब की बात है, जब होनी होगी तो हो जाएगी ना। बाबा साईं आप समझ नहीं रहे ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी नजरों के सामने दुल्हन बन के जाऊँ। हाँ हाँ बाबा, मेरी आंखों के सामने होगी, मैं कोई नाबीना थोड़े ही हूँ। अरे क्या हो गया बाबा जानी, किस बात पर बहस हो रही है? बाबा ये बहस कह रही है कि मेरी शादी करो। अरे बाबा करते हैं कुछ, करते हैं, बाबा जानी को परेशान मत कर। बस तू तो भला यही कहता रहना, मुझे तो बाबा साई की जिंदगी में ही शादी करनी है बस। अरे बाबा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं मरने वाला हूँ। अरे बाबा जानी ये तो पागल हो गई है, छोड़े आप इसको, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे बाबा ये तो पागल है, लड़की हो गई है। बाबा जानी बात तो वो सही कर रही है वैसे। तू भी शुरू हो गया? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा वो मेरी एक रिपोर्ट आनी थी बाबा। बाबा जानी मैंने नए जूते खरीदे हैं, आपको भी ला कर दिखाता हूँ सही। वाह वाह वाह, याद आया। गर्मा गर्म चाय, ये ले सेठ साहब, गर्मा गर्म चाय आपके लिए। अरे बाबा वो मेरी एक रिपोर्ट आनी थी जानी बाबा। अरे छोड़ सब बातें को, सेठ साहब आपके लिए मैंने एक नया शरबत ईजाद किया है, दूध मलंगा, अब भी लेके आता हूँ। क्या हो रहा है? पेपर्स तैयार हैं, देख लीजिए। हाँ बाबा, देओ 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 बाबा। अच्छा तुम्हें सब समझ में आ रहा है, क्या देख रहे हो, इधर लेके आओ। ले लो बाबा ले लो, ये भी चाहिए। वकील साहब ये तो बिल्कुल सही है। तो बुला ले फिर मौला दाद और जवीना को। हाँ बाबा मैं भी बुला के लाया। आपने तो जल्दी जल्दी सब काम कर दिया, थैंक यू सो मच। हेलो बाबा। आ गए आ गए। बाबा सही। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बाबा सही ये वकील है। अच्छा ये वकील है, वो तो लग तो रहे हैं कि वकील है। कवारा है। अरे चुप कर जरीना। बाबा जानी ये कागजात बना के लाए हैं हमारी जायदाद के। किसकी जायदाद? बाबा जानी आपकी जायदाद। लेकिन मैंने तो नहीं कहा बनवाने के लिए बाबा। नहीं बाबा जानी, हमने कहा था कि जायदाद के कागजात बना के ले आए, जिंदगी मौत का क्या पता, जो काम बाद में होना है वो अभी हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग सब मुझे मारने पे तुले हुए हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम लोग मुझे यहाँ बुला के कत्ल करने वाले हो? अरे भाई वैसे और ज्यादा जिक्र करेंगे भी क्या ये? अरे अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बाबा सीमा तुम ही समझाओ। मगर देखिए बाबा, अच्छा है ना, जिंदगी जिंदगी में ऐसे इंसान को फैसले कर लेने चाहिए। जिंदगी जिंदगी क्या तुम लोगों ने लगा रखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी कोई मरने वाला हूँ। बाबा सही वो रिपोर्ट आ गई है, मैं जानी को बुलाता हूँ। जानी, ओ बाबा जानी इधर आओ। आया आया, आ गया आ गया आ गया। हाँ जी जी बाबा जानी, बाबा जानी को रिपोर्ट दिखाओ। जी 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 जी, रिपोर्ट आ गई है। जी जी बाबा सही आ गई है। जी आ गई तो बता दो ना बाबा इसमें क्या लिखा है। बता दूं? हाँ बाबा बता दो। हाँ बताओ बताओ। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ऐसी बीमारी है उसमें तो कोई ज़िंदा बचता ही नहीं बाबा, अब क्या होगा। अरे बाबा सही, हमारा क्या हो गया, हमारा तो बचपन का साथ था। हाँ बाबा उसके तो बचपन के ही साथ थे ये सब लोग, ऐसे नहीं रोते, मालिक और देगा बाबा मालिक। लेकिन बाबा सही बाप तो एक बार ही मिलता है ना, बार बार कहाँ से मिलेगा बाप। हाँ बाबा सही। और नहीं तो क्या बाबा, इन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको ब्लड कैंसर है और आप जल्दी मरने वाले हैं, इसीलिए मैंने फौरन जायदाद के कागजात बनवा लिए। अरे बाबा किसने कहा कि मेरे को ब्लड कैंसर है? बाबा सही वो रिपोर्ट में लिखा है। अरे बाबा तुम लोग क्यों रो रहे हो? बाबा सही हम यतीम होने वाले हैं। अरे मैं भी यतीम होने वाली हूँ। चुप करो सब, चुप करो सारे, सेठ साहब ऐलान करने वाले हैं। जी अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये भैंस की रिपोर्ट है, उसको कैंसर हुआ है। क्या इसमें तो आपका नाम लिखा हुआ है? और बाबा भैंस का कोई नाम थोड़ी होता है, अरे मेरा नाम लिखा होगा रिपोर्ट पर। अरे बाबा सही इसका मतलब है आपको कुछ नहीं हुआ?
अच्छा तो तुम लोग जो है मुझे जो है ना बस। अरे शुक्र बाबा, इसका मतलब है मेरे पापा साई को कुछ नहीं हुआ। शुक्र शुक्र है। अब ये वकील साहब इतनी दूर से वसीयत बना के लाए, इनका क्या करें? हनीमून पर कहाँ गई थी तुम? वो किसी किताब में फर्ज है कि हनीमून पे जाना जरूरी है? कितने दिन हो गए हमारी शादी को और हम हनीमून पे ही नहीं गए। हनीमून बाबा ये क्या है? ओ बाबा ये मेरे बेटे का घर है, मेरी मर्जी है, मैं जब आऊं जब जाऊं। अरे मैं तो आपको देख के खुश हो जाता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल से कि तुम्हें खुशी हो रही है। हम घूमेंगे फिरेंगे। हाँ वाह बाबा सही, फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या सर एक दिन में कितना बोर हो जाएंगे आप? किसने बोला कि एक दिन के लिए आया? फिर हम एक हफ्ता पूरा यहाँ गुजारेंगे। जाने से पहले आप लोगों को बता दो, तुम कहाँ जा रहे हो? हनीमून पे। अरे बाबा ये तो अकेला जा रहा है हनीमून पे। हनीमून पर सारे घर वाले तो साथ नहीं जाते ना। हाँ तो हम कौन सा तुम्हारे गोद पर चढ़ के बैठ जाएंगे? वहाँ जाके तुम लोगों के लिए अम्मियाँ ढूंढ लेंगे ना। तो अपने हनीमून पे ये पूरा का पूरा टब्बर लेके जाता है। अरे बिगम आप इस बात पे उदास हो? तो तुम किस बात पे उदास हो? अरे बाबा मैं तो सोच रहा था कि सब चले जाएंगे तो मेरी गाय का ख्याल कौन रखेगा? अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।